हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमकेड़ा थी, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 3, द नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें वीडियो नंबर 11 आज हम देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसमें हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में शुरुआत करेंगे एंड देन पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था बच्चों, वो देखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, वो हमने देखा था। अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सबसे पहले बात करें पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले क्या दिया गया है, डायगोनल रिलेशनशिप, देन इनर्ट पेयर इफेक्ट, देन इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एटसेट्रा will be dealt with along with the discussion of this group later in this unit. In this section, we shall study the periodicity of the valence state shown by elements and the anomalous properties of the sound period, second period elements, that is from lithium to fluorine. So first, periodicity of valence or oxidation states. The valence is the most characteristic property of the elements and can be understood in terms of their electronic configuration. यानी कि electronic configuration अगर पता हो तो हम valence ही easily पता चल सकती है. The valence of representative element is usually, though not necessarily, equal to the number of electrons in the outermost orbital and or equal to the 8 minus number of outermost electron are shown below. तो उसके कुछ example हम देखेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं group number 1, number of valence electron 1 है, तो उनकी valence भी 1. Group number 2, number of electrons, valence electron, then valence will be 2. Then group number 13, number of valence electron, they are 3, so the valence also will be 3. 14, 4, 4. Now in case of 15, 5, so there you'll be having the 2 valency, 3 or 5. 16, 6, 2 and 6. 17, 7, 1 and 7. 18, 8, 0 or 8. So ye kahin pe double valency दिखा दे रही है, देखो यहाँ पे 15 में, 16 में, 17 में और 18 में, ठीक है। Now, nowadays the term the oxidation state is frequently used for the valency. Valency के लिए oxidation state term इस्तेमाल होता है। Consider the two oxygen containing compounds. One is OF2. एक कंपाउंड है OF2 और दूसरा है Na2O. के वन इज द OF2 एंड द सेकेंड वन इज द Na2O. ओके, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस कंपाउंड इज F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन Na. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन का टर्न आएगा, उसके बाद सोडियम का टर्न आएगा। ओके, अभी ईच ऑफ द एटम्स ऑफ फ्लोरीन विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5,
shares one electron with the oxygen in the case of OF2 molecule. फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5, तो OF2 के केस में क्या होगा, शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो पेयर करेगा विद द ऑक्सीजन विथ OF2 मॉलिक्यूल. ऐसे F के साथ ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने वाला है और वो कंपाउंड बनेगा OF2. बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज गिवन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1. फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा ये दोनों का, ठीक है. सिंस देयर आर टू फ्लोरीन एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विद द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 2s2 2p4 शेयर्स टू इलेक्ट्रॉन विद द फ्लोरीन एटम्स एंड देयर बाय एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन इज +2. ओके, अभी यही चीज मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं. देखो, सो ऑक्सीजन का क्या रहेगा, +2, यहां पे -1, यहां पे भी -1. ओके, ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जांपल है इन Na2O, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्ट्स टू इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, वन फ्रॉम ईच ऑफ द टू सोडियम एटम्स एंड दस शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2. तो Na2O जो कंपाउंड है उसमें जो ऑक्सीजन जो है, ओके, विल बी हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, सोडियम विल बी हैविंग +1. ओके, तो देखो यहाँ पे वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ऑक्सीजन का -2 रहेगा, सिंगल सोडियम का +1, ये दूसरे सोडियम का भी +1, ठीक है. ऑन द अदर हैंड द सोडियम विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s1 लॉसेस वन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड गिवन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. दस द कंपाउंड कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल. अभी देखो कुछ और कंपाउंड्स है, सम पीरियडिक ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन द वैलेंस एलिमेंट्स हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, वो कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उसके लिए पूरा एक टेबल दिया गया है. हाइड्राइड कंपाउंड्स बनाते हैं एंड ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है. सपोज ग्रुप नंबर 1 में लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे ही ऑक्साइड में Li2O, Na2O एंड K2O. ग्रुप नंबर 2 में हाइड्राइड कौन से बनेंगे, CH2, कैल्शियम का, यहाँ पे MgO, CaO, SrO, BaO, ठीक है. तो ऐसे सभी में 13, देन 14, 15, 16 एंड 17 कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं और कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, वो यहाँ पे टेबुलेटेड फॉर्म में हमें दिया गया है, ठीक है. नाउ इसके ऊपर से हमारे पास एक प्रॉब्लम सम है, प्रॉब्लम नंबर 3.8. तो क्वेश्चन दिया गया है, यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स माइट बी फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, दूसरा है एल्यूमिनियम एंड सल्फर. तो सबसे पहले हम बात करें सिलिकॉन एंड ब्रोमीन के लिए, तो सिलिकॉन जो है दैट इज ग्रुप नंबर 14, ओके, विद द वैलेंसी ऑफ 4, उनका वैलेंसी है 4. वेयर एज इन केस ऑफ ब्रोमीन बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो उनका वैलेंसी है 1. ओके, हेंस द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, यहां पे 4 है तो हम सिलिकॉन यहां पे लिखेंगे, Br यहाँ पे लिखेंगे, सिलिकॉन के नीचे 4 लिखेंगे, Br के नीचे 1 लिखेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कंपाउंड बन जाएगा SiBr4, ठीक है. तो ये पहला रेडी है A. ऐसे ही दूसरा एल्यूमिनियम, तो बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 13,
विद वैलेंसी ऑफ 3, 2, 8, 3, तो बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंसी हो गई तीन उनकी। ओके, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का ग्रुप नंबर है 16, ठीक है, उनका वैलेंसी हम बात करें तो वो है 2। ओके, अभी तो ऐसे एल्यूमिनियम एंड सल्फर, एल्यूमिनियम के नीचे 3, सल्फर के नीचे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया हमारा Al2S3, कंपाउंड हो गया Al2S3, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, थैंक यू।